हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, सिडनी में हैं स्पेसिफिकली। एंड आज हम लोग जा रहे हैं केन्स, और उसके लिए कुछ स्पेशल है क्योंकि हम लोगों ने मिलके दोनों ने एक बकेट लिस्ट बनाई थी, मतलब जो इनको करने की इच्छा है, जो मुझे करने की इच्छा थी लाइफ में, और यू नो जितना हम ट्रैवल कर सके उसमें हम जो 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 ऐड कर पाए हमने ऐड किया है। तो उसका आज फर्स्ट चीज कवर होने वाला है। Correct. तो वो क्या है सुभाषिश बताएंगे। तो एक्चुअली हम लोगों का ये मतलब एक वॉलपेपर में हम लोगों ने देखा था तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। उसका एरियल व्यू या सीनरिक व्यू आप बोल सकते हो। तो ये मतलब अंडर वाटर सबसे बड़ा इकोसिस्टम है वर्ल्ड का। तो वहाँ पे अगर मैं फैक्ट्स बताऊँ तो लेट्स से 1500 फीसेस से ज़्यादा यूनिक फीसेस हैं एंड 4000 से ज़्यादा प्लांट्स। तो अंडर वाटर कोरल रीफ इसको मतलब नाम से जाना जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ करके। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी जाना होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही मतलब है जो सबसे बड़ा है दुनिया का। तो हम लोग अभी निकलने वाले हैं, 3 बजे हम लोग का मतलब 10 बजे फ्लाइट है, उसके बाद 3 बजे हम लोगों का वहाँ पे है, और यहाँ से क्रेंस जाने के लिए ऑलमोस्ट 3 घंटे की फ्लाइट हम लोग को लेना है। और सिडनी में रह रहे हैं और रूम का लुक एट द व्यू। और जितने लोग यहाँ पे सिडनी आएंगे, सिंग्रीला होटल का नाम है और बहुत ही अच्छा व्यू है। यहाँ पे आपको हार्बर ब्रिज दिख रहा होगा जो यूनिक प्लेस है, एंड आपको ओपेरा हाउस भी यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये दो प्लेसेस बहुत ही ज़्यादा यूनिक है एंड दोनों ही एक ही रूम से दिखता है एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। 5-स्टार रेटिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बड़ा सा शिप भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और उसका हेलीपैड भी है एंड यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम 8-10 फ्लोर्स और सारे रूम्स है। मतलब हमारे ये होटल से ज़्यादा रूम्स आई थिंक वहाँ पे होंगे। तो बहुत, चलिए हम लोग अभी पहुंचते हैं एयरपोर्ट, रश करते हैं एंड उसके बाद फिर फर्स्ट टाइम डोमेस्टिक फ्लाइट लेंगे यहाँ पे। देन विल सी कि नहीं वहाँ पे किस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है। इनफैक्ट हम लोग का 2 विश लिस्ट पूरा होने वाला है, एक तो मैं बता दिया, एक आपको पता चलेगा जाने के बाद। चलिए हम लोग कैंप से पहुंच चुके हैं, होटल में आ चुके हैं। अभी हम लोग डायरेक्टली फिर रेडी होके निकल रहे हैं हमारे विशलेट या बकेट लिस्ट के तरफ। तो अभी इसका आप लोग देखोगे जैसे हार्बर, बोट, पार्किंग जो भी है, इनका एक अच्छा व्यू है इसका। और इनका फ्लाइट में जो मैं आ रहे थे हम लोग, बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत ही सुंदर था ऊपर से क्योंकि इनका आइलैंड बहुत सारे हैं। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं हम लोग, तो चलिए फिर मिलते हैं। Cairns, we're flying out to Green Island. Okay. Across Arlington Reef. Uh-huh. This guy here is Vlasov Reef and the little tiny patch of yellow is Middle Cay. Okay. If we can't possibly land there, we'll extend our flight over Michaelmas Cay, Oyster Reef, Apollo Cay, and then we'll come back to Cairns. हम लोग इसके लिए आए थे और life jacket and all ready है. And so Neil एंड जॉनसन हम लोगों को भी फ्लाई करेंगे कल से। बहुत बड़ा नहीं है बट आज चलो इंटरेस्टिंग है, इनके लिए तो इंटरेस्टिंग है फर्स्ट टाइम। सो एक्चुअली एयरपोर्ट बेस के अंदर ही है, तो अभी देखते हैं कैसा रहता है फ्लाई करना। ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर ही हम लोग का प्लान था एंड छोटा हेलीकॉप्टर है, जूम हेली करके कुछ इनका है, तो हम लोग थोड़ा एक्साइटेड है कल से। Feel a little bit scary. और यहाँ पे कम्प्लीटली सी है, अगर साइड में देखोगे छोटा सा आइलैंड है इसको, कुछ मैं एग्जैक्ट क्या बोलते हैं मैं बोलूँगा। एंड यहाँ पे 20 मिनट हमको स्पेंड करने के लिए दिया जाएगा एंड लुक एट द व्यू, जहाँ पे भी देखेंगे वाटर है। एंड ये पब्लिक आइलैंड है इनका एंड हमको बोला गया था कि नहीं 10% चांसेस है यहाँ पे आ सकते हैं, एंड सॉरी 90% चांस है, 10% नहीं है क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगर पब्लिकली यहाँ पे यूज हो रहा है तो हम लोगों को अलाउ नहीं होगा। नहीं ऑलमोस्ट मतलब 10-20% में तो ये हेलीकॉप्टर ही है। तो हम लोग जूम हेलीकॉप्टर में बनाए थे, अभी देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कैसा दिख रहा है।
थोड़ी देर में जहाँ पे हम लोग उड़ रहे थे हवा पे से, वहाँ पे बैरियर रीफ दिखा होगा, बहुत ही सुंदर था। एंड ये सबसे बड़ा बैरियर रीफ है, ऐसे बहुत बड़ा स्ट्रेच हुआ है ऐसे यहाँ से, तो देख नहीं सकते पूरा, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग, और पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी है अगर आप तो देख रहे होंगे। चलो ये बकेट लिस्ट अच्छा लगा हम लोगों को, एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना अच्छा होगा। हाँ बैरियर रीफ होगा अच्छा था, बट यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया था ना कि नहीं, चांसेस आर वेरी लो कि नहीं यहाँ पे उतर सकते हैं, तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। मतलब यू विल सी एटलीस्ट हेलीकॉप्टर राइड हो जाएगा अंजलि के लिए भी, क्योंकि उनका भी ये बकेट लिस्ट में था कि नहीं हेलीकॉप्टर राइड पर जाना है। हम लोग दुबई में किए थे फैमिली के साथ, वो नहीं थी उस टाइम पर। तो यसी गम्स कैसा लगा तुमको? मज़ा आया ना बीच में कहीं तो उतरना। हाँ और हेलीकॉप्टर बड़ा क्यूट है, बहुत क्यूट है और बहुत वाइब्रेट करता है। अरे भाई बहुत हिलता है।